झारखंड की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाने वाली जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार इस परीक्षा को क्रैक करने के लिए जोर शोर से तैयारी में जुटे हैं। हालांकि सभी के लिए इस परीक्षा को क्रैक करना मुश्किल कार्य होता है, लेकिन जो उम्मीदवार मेहनत करते हैं उनके लिए कोई कार्य असंभव नहीं होता। याद रहे कि इस वर्ष यह परीक्षा हो चुकी है, लेकिन जो उम्मीदवार अगले वर्ष इस परीक्षा में बैठने वाले हैं उन्हें इसकी चिंता करने की आवश्यकता है। तो कुछ टिप्स जिनसे आप इस परीक्षा में बेहतर अंक लाने में समर्थ हो सकते हैं, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे मिशन जेपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, जिसमें हमारी सबसे पहली टिप है बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। सिविल सेवा की जेपीएससी की सफलता विशुद्ध रूप से मूल अवधारणाओं के लिए जिम्मेवार है, चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, भारतीय राजनीति हो या फिर अर्थव्यवस्था। सभी विषय के बेसिक कॉन्सेप्ट में महारत हासिल करने के लिए पर्याप्त समय दें। इससे आपकी तैयारी के अंतिम चरण में काम आसान हो जाएगा। सभी प्रमुख अवधारणाओं को कवर करने के प्रयास करें और सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी नोट डाउन कर लें। जनरल स्टडी पर अधिक ध्यान केंद्रित करें। लगभग सभी को पता होगा कि जनरल स्टडी का पेपर मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने में मुख्य भूमिका निभाता है। इस कारण तैयारी के अंतिम दिन जनरल स्टडी के पेपर पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हम उम्मीदवारों को सबसे महत्वपूर्ण विषयों को पहले लेने का सुझाव देते हैं। तैयारी का विकल्प। सामान्य अध्ययन के पेपर में 6 से अधिक महत्वपूर्ण विषय होते हैं, जिनमें भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था, इतिहास और भूगोल शामिल हैं। हमारा सुझाव तो आपको यही है कि आप प्रत्येक विषय के लिए विशेष रूप से समय निर्धारित करें और सभी को पूरा समय दें। हो सके तो अंतिम दिनों में हर विषय को एक दिन दें, नए कॉन्सेप्ट न पढ़े। अंतिम 10 दिन की तैयारी अवधारणाओं में महारत हासिल करने के लिए होनी चाहिए, इसलिए इन दिनों में कभी न कभी नए कॉन्सेप्ट्स को न पढ़ें। इन दिनों सिर्फ आप उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ें, उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करें जो पहले आप पढ़ चुके हैं। नया टॉपिक पढ़ने से आप उसमें उलझ सकते हैं। एक टाइम टेबल बनाओ रिविजन करते समय, जहाँ भी आवश्यक हो घटनाओं की एक टाइमलाइन बनाने का प्रयास करें। इतिहास में विशेष रूप से यह करें, आधुनिक भारतीय इतिहास में एक टाइमलाइन बनाने से आपको तैयारी के अंतिम दिन के दौरान अवधारणाओं को संशोधित करने में मदद मिलेगी। हम आपको वर्तमान घटनाओं के लिए भी एक टाइम टेबल बनाने का सुझाव देते हैं। साथ ही दोस्तों, आप करंट अफेयर्स के लिए पूरा दिन दें। जेपीएससी में करंट अफेयर्स अनुभाग के महत्व का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनमें कई प्रत्यक्ष प्रश्नों की अपेक्षा की जा सकती है। हालांकि इस खंड का वेटेज तुलनात्मक रूप से कम है, करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए कम से कम आपको एक पूरा दिन समर्पित करना जरूर होगा। द इंडिया ईयरबुक जरूर पढ़ें। सरकार द्वारा प्रकाशित इंडिया ईयरबुक चल रहे वर्ष में कई मुद्दों के लिए जानकारी का सबसे अच्छा स्रोत है। उस किताब में बताए गए आंकड़ों को जानने की कोशिश कीजिए। इस पुस्तक को केवल संदर्भ के लिए ही रखें, क्योंकि इसमें महारत हासिल करने में बहुत समय लग सकता है। मॉक टेस्ट लें। पेपर को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए आपका पहले से अभ्यास होना बहुत जरूरी है, इसलिए अंतिम दिनों में ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दें। इससे आपको पता चलेगा कि आप इस परीक्षा की लाखों की भीड़ में अपनी जगह बना पाए हैं या नहीं। तैयारी के अंतिम 10 दिनों के दौरान कम से कम 3 बार मॉक टेस्ट देने का प्रयास जरूर करें। तो यह थी हमारी कुछ टिप्स जिनसे आप आसानी से जेपीएससी के एग्जाम में अच्छे अंक ला सकते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर आप भी जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रभात प्रकाशन लेकर आए हैं आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें, जिन्हें आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप इन सभी किताबों को मंगवाना चाहते हैं तो आप इन्हें अमेजन या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके इन्हें आप मंगवा सकते हैं। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे मिशन जेपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। आपकी जेपीएससी परीक्षा की तैयारी को फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है कंप्लीट बुक सीरीज। इसमें आपको मिलेंगी पेपर 1 और पेपर 2 की संपूर्ण गाइड बुक्स। ये किताबें हिंदी और इंग्लिश दोनों में तैयार की गई हैं। झारखंड सामान्य ज्ञान के लिए उपलब्ध है IAS डॉक्टर मनीष रंजन जी की झारखंड वस्तुनिष्ठ सीरीज, जिसमें है 7,000+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस
ये बुक भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। इसके साथ ही पेपर वन और पेपर टू के प्रत्येक विषय पर भी हमारी किताबें उपलब्ध हैं, जिनमें है टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। ये किताबें हैं लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड और इनमें लास्ट ईयर सॉल्व पेपर भी आपको मिलेगा। 100% एग्जाम रेडी होने के लिए आप पढ़ सकते हैं 15 मॉडल सॉल्व पेपर्स। ये बुक इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो आज ही ऑर्डर करें अमेज़न, फ्लिपकार्ट या नज़दीकी बुक स्टोर से, क्योंकि इतनी सटीक किताबें आपको और कहीं नहीं मिलेंगी।